हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, आज के 12 बज चुके हैं और मेरा काम अब फिनिश हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे खेतों में भी कटाई का काम चला हुआ है, तो उस वजह से मैं 3-4 दिन खेत में जाने से घर का काम सारा अस्त व्यस्त हो गया था, तो उसको करने में मुझे ज़्यादा टाइम लग गया। 12 बजे मैं नहा धोकर के फ्री हो चुकी हूँ और अब मैं अपनी स्टडी करने बैठ जाऊँगी। अब मैं 2:30 बजे तक स्टडी कर लूँगी। लगभग 2 आवर्स की स्टडी मैंने दिन में कम्प्लीट की। यहाँ पर मैं इंग्लिश लिटरेचर रिवाइज कर रही हूँ, जो कि मैं आर गुप्ता की बुक NVS TGT इंग्लिश से कर रही हूँ। दोस्तों, HTET का नोटिफिकेशन आ चुका है। HTET मीन्स हरियाणा टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं हरियाणा में टीचर बनने के, तो आप लोग इस फॉर्म को डाल सकते हैं। और मेरी जो फ्रेंड्स जिन्होंने इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना है, अगर वो लोग इस एग्ज़ाम में फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं या फिर उन्होंने पहले एग्ज़ाम दिया है और उनका क्लियर नहीं हो पाया है, तो वो लोग अगर मेरी स्ट्रेटजी जानना चाहते हैं कि मैंने लास्ट ईयर कम समय में अपनी किस तरह से तैयारी की थी और अपने एग्ज़ाम को किस तरह से क्रैक किया था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों के साथ टाइम निकाल कर अपनी स्ट्रेटजी ज़रूर शेयर करूँगी। दोस्तों, HTET को क्रैक करना CTET को क्रैक करने से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। जैसा कि पैटर्न आप लोगों ने देख लिया होगा कि इसका जो पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग है। HTET एक अच्छे लेवल का पेपर आता है, CTET की तरह नहीं कि आप लोग सिर्फ 1 आवर या 2 आवर स्टडी करके अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर लो। HTET के लिए हमें एक प्लानिंग से, एक डेडिकेशन से लगभग 3-4 आवर स्टडी के लिए डेली निकालने ही होंगे, तभी जा कर के हमारा HTET क्रैक हो पाएगा। क्योंकि टाइम भी बहुत कम बचा हुआ है, 12-13 नवंबर को HTET का एग्ज़ाम होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप लोग सही तरह से स्टीक स्ट्रेटजी से, अगर मैं आपको बताऊंगी उस स्ट्रेटजी को आप लोग फॉलो करेंगे, तो आप लोगों का HTET ज़रूर क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग HTET का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आप लोगों के साथ अपनी स्ट्रेटजी ज़रूर शेयर करूँगी। एंड आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। यहाँ पर आप लोग देखिए कि मैं यूथ कंपटीशन की बुक से कुछ टॉपिक्स हैं उनकी प्रैक्टिस करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, हम बुक को आगे से तो कई बार स्टार्ट करते हैं लेकिन पीछे तक नहीं पहुँच पाते, तो ऐसा ही मेरे साथ हो रहा है। मैं आगे से तो काफ़ी बार स्टार्ट कर चुकी हूँ लेकिन लास्ट पेज पर नहीं पहुँच पा रही हूँ, तो इसलिए मैंने आज इसको लास्ट पेज से ही पढ़ना स्टार्ट किया है। जो इसका लास्ट टॉपिक था मिसलेनियस वाला, मैंने उसी को स्टार्ट किया है। इसमें मिसलेनियस क्वेश्चन दिए हुए हैं लास्ट चैप्टर में, तो मैं इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रही हूँ। इसमें से जो मुझे डाउटफुल लगता है उसके ऊपर मैं टिक कर लूँगी एंड उसको रिवीजन के टाइम पे ज़रूर देखूँगी। दोस्तों, अगर आप लोग देखेंगे कि आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिला था लेकिन मैंने उसमें रेस्ट नहीं किया, कल से फिर खेत में जाना है। मैंने आज रेस्ट नहीं करके अपनी स्टडी को जारी रखा है क्योंकि मुझे पता है कि खेत में काम तो लगभग 1 वीक तक चलने वाला है। अगर मैंने 1 वीक तक लगातार ब्रेक ले लिया तो मैं अपनी स्टडी में बहुत पीछे रह जाऊंगी। आप सभी लोग जानते हैं कि NVS का एग्ज़ाम तो लगभग नेक्स्ट मंथ होने ही वाला है और बाकी जो मेरा टारगेट है KVS DSSS भी, वो एग्ज़ाम भी जल्दी ही आ जाएंगे, तो मुझे अपनी स्टडी को ब्रेक नहीं करना है। यहाँ मैं आप लोगों से नाइट को मिल रही हूँ और नाइट में मैं अपने सभी काम करके फ्री हो चुकी हूँ। आप लोग टाइम देख सकते हैं, 8:52 हो रखे हैं और मैंने बेटे को भी स्टडी करने के लिए अपने पास बैठा लिया है क्योंकि उसकी स्टडी का ध्यान भी मुझे ही रखना पड़ता है। घर में और कोई नहीं है उसको पढ़ाई करवाने वाला। यहाँ पर मैं उसको अपने साथ ही बैठा करके रखती हूँ और उसको साथ ही बताती भी रहती हूँ कि बेटा कैसे क्या करना है। यहाँ पर मैं शिक्षण अभिरुचि एवं शिक्षण अभिवर्ती के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूँगी। मैं प्रैक्टिस करते वक्त ऐसा ही करती हूँ, जो क्वेश्चन मुझसे सॉल्व हो जाता है मैं उसको टिक नहीं करती हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन मुझे आता है, लेकिन जिस क्वेश्चन में मुझे डाउट लगता है, जो क्वेश्चन मेरा गलत होता है, उस क्वेश्चन पर मैं टिक कर लेती हूँ ताकि जब मैं रिवीजन करूँ तो मैं उस क्वेश्चन को अच्छे से देख सकूँ। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं आप लोगों के लिए टीचिंग से ज़रूरी अपडेट एंड टीचिंग से जुड़ी हुई नई नई अपडेट एंड आप लोगों के लिए डेली मोटिवेशनल स्टडी व्लॉग लाती रहती हूँ। आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सके, आगे बढ़ सके। तो आप लोगों से किसी अदर प्रोडक्टिव व्लॉग में मिलूँगी। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।